we are going to start off our discussion with the transport of water and minerals in plants. ओवरऑल इस सब सेक्शन में हम दो एस्पेक्ट्स से बात करेंगे. सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का एक ओवरव्यू देखेंगे एंड सेकेंडली विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू. ए ऑप्शन है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, बी ऑप्शन इज एसेंट ऑफ सैप, सी ऑप्शन इज ट्रांसपरेशन एंड डी ऑप्शन इज ट्रांसलोकेशन. फर्स्ट स्टेटमेंट है जी हमारे पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स इज टर्म्ड एज, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा, दैट इज ट्रांसलोकेशन. अनदर स्टेटमेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट्स इज, तो सॉइल टू रूट्स, बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट्स, दिस वुड कम अंडर द हेडिंग ऑफ absorption. Best response to this question is alpha. Another statement, transport of water and minerals from roots to upwards parts of plant is, ab roots se upward parts of plants tak jo water and minerals ka jana hai, this is termed as the ascent of sap. Next statement hai, evaporative loss of water from plant surface is, तो जो प्लांट की सरफेस से इवेपोरेटिव लॉस होता है वाटर का, उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसपिरेशन का नाम देते हैं. अभी हम एक फ्लो शीट कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस फ्लो शीट में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है जिसकी मदद से आप इन क्वेश्चंस को क्लियरली और वेरी इजीली आंसर कर सकते हैं. सो इफ यू लुक एट द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जब हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, बेसिकली हम दो मेजर कंपोनेंट्स के एस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं. नंबर वन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड नंबर टू, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है, इसमें एक तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एब्जॉर्प्शन. द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट्स, दिस इज एब्जॉर्प्शन. सेकेंड नंबर पे, रूट से अपवर्ड पार्ट्स हैं जो प्लांट्स के, उनमें वाटर एंड मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्ट है, इट वुड कम अंडर द हेडिंग ऑफ द एसेंट ऑफ सैप. सो रूट से अपवर्ड पार्ट्स तक जाना वाटर एंड मिनरल्स का, ये एसेंट ऑफ सैप कहलाएगा. और उसके बाद फिर प्लांट की सरफेस से वाटर का और मिनरल्स का एनवायरमेंट में जाना, स्पेसिफिकली वाटर का ऑफकोर्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रांसपिरेशन, राइट. और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी फूड की ट्रांसपोर्ट, तो जो सिंपली फूड की ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स में, उसको हम ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं. तो इस फ्लो शीट में बेसिकली चार जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैंने क्लियर किया है. सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट्स एब्जॉर्प्शन, फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड्स एसेंट ऑफ सैप, एंड फ्रॉम प्लांट सरफेस टू एनवायरमेंट ट्रांसपिरेशन. जबकि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन. तो एग्जाम का जो क्वेश्चन फॉर्मेट है, यहाँ से वही है जैसे अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस पूछे थे. एग्जाम इन टर्म्स क्वेश्चन क्वेश्चन आपको एज ऑप्शंस आपको दे देगा और फिर डिस्क्रिप्शन दे के पूछेगा कि ये किस टर्म की बात हो रही है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लो शीट यू वुड बी एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं. ये बिग पिक्चर है ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स. इसमें अगर आप देखें, एक तो हमारे पास वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम सॉइल टू रूट्स, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन. देन फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, दिस इज एसेंट ऑफ सैप. और उसके बाद फिर प्लांट सरफेस एनवायरमेंट में जाना, दिस इज ट्रांसपिरेशन. तो जो वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट है, इसमें थ्री एरियाज ऑफ डिस्कशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन, सेकेंडली एसेंट ऑफ सैप, एंड थर्डली ट्रांसपिरेशन. हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा. कन्वेंशनली वी हैव गॉट ऑप्शंस,
ए ऑप्शन इज डिफ्यूजन, बी ऑप्शन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी ऑप्शन इज ऑस्मोसिस एंड डी ऑप्शन इज डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। स्टेटमेंट है हमारे पास, अपटेक ऑफ मिनरल्स बाय प्लांट रूट्स टेक्स प्लेस वाया। अब जो प्लांट रूट्स हैं ये मिनरल्स को किस तरह से टेकअप करते हैं, किन किन मैकेनिज्म से टेकअप करते हैं, द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस क्वेश्चन की रीजनिंग को हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अनदर स्टेटमेंट, अपटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स टेक्स प्लेस वाया। अब प्लांट रूट्स से जो अपटेक ऑफ वाटर हो रही है वो कैसे होनी है, बेसिकली दैट विल टेक प्लेस वाया द ऑस्मोसिस। चार्ली वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लैटरल ट्रांसपोर्ट भी कह देते हैं। सो एब्जॉर्प्शन वंस अगेन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट्स, एंड इट मेनली टेक्स प्लेस एट रूट हेयर। ये मेनली जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर और मिनरल्स की, ये रूट हेयर पे हो रही है। और रूट हेयर क्या है, बेसिकली दीज आर एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, जो रूट की आउटर लेयर है एपिडर्मस, उसकी एक्सटेंशन के तौर पे मतलब रूट हेयर प्रेजेंट है। बेसिकली एब्जॉर्प्शन में अपटेक दो मेजर कंपोनेंट्स की हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड सेकेंडली देयर इज द अपटेक ऑफ वाटर। अब जो मिनरल्स की अपटेक होती है ये कैसे हो रही है, वाया द डिफ्यूजन एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में ऑफकोर्स एटीपी इन्वॉल्व नहीं होगी, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके लिए एटीपी यूज होगी। अब जो डिफ्यूजन है इन टर्न ये दो तरह की हो सकती है, वन वी हैव गॉट द सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकेंडली वी हैव गॉट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी मिनरल्स और वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है, खासतौर पर अगर हम मिनरल्स की बात करें कि मिनरल्स की जो एब्जॉर्प्शन है इन प्लांट्स, ये सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो रही होगी। उसके बाद अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है ये होनी है वाया ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस खुद से भी बाय द वे ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही का एक केस है टेक्निकली। इसमें बेसिकली मेम्ब्रेन के अंदर एक्वापोरेंस होते हैं जिसके थ्रू वाटर जो है वो मूव कर रहा होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में मोस्टली जब मेम्ब्रेन्स को वाटर क्रॉस करता है तो वो ऑस्मोसिस के जरिए ही क्रॉस कर रहा होता है। सो कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन में जो मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड हैं, राइट, अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, यानी कि सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स के रूट में अब्जॉर्ब होने में जो मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड हैं वो कौन कौन से हैं, वी हैव गॉट द सिंपल डिफ्यूजन, द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द ऑस्मोसिस। सो ये मेजर मैकेनिज्म्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हियर आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। स्टेटमेंट इज, इन प्लांट्स एपोप्लास्ट पाथवे इज ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस फॉर, ए ऑप्शन इज वाटर ट्रांसपोर्ट, बी ऑप्शन इज सॉल्यूट्स ट्रांसपोर्ट, सी ऑप्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड डी ऑप्शन इज वाटर एंड सॉल्यूट्स ट्रांसपोर्ट। अब प्लांट्स में एपोप्लास्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो किसके लिए सबसे ज्यादा है, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा, वाटर एंड द सॉल्यूट्स ट्रांसपोर्ट। अब हम इसके डिफरेंट पाथवेज को डिस्कस करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन। सो अब हम वाटर एंड मिनरल ये दोनों कैसे अब्जॉर्ब हो रहे हैं, इनके पाथवेज को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला पाथवे है वो है सेल वॉल टू सेल वॉल एब्जॉर्प्शन का, राइट, सेल वॉल से सेल वॉल की तरफ, सेल वॉल से सेल वॉल, एक सेल की सेल वॉल से दूसरे सेल की सेल वॉल में जो वाटर एंड मिनरल मूवमेंट है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं दिस इज द एपोप्लास्ट पाथवे। तो ये सेल वॉल टू सेल वॉल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मैकेनिज्म है दैट इज प्रोटोप्लास्ट टू प्रोटोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट, ये होती है वाया द प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि प्रोटोप्लास्ट के दरमियान कनेक्शन होते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट एक फैंसी टर्मिनोलॉजी है जो कि हम प्लांट सेल्स के प्रोटोप्लाज्म के लिए यूज करते हैं, या इसको मैं थोड़ा सा और बेटर वे में आपको समझा देता हूँ। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जितने भी सेल वॉल्ड सेल्स होते हैं, अगर किसी भी सेल वॉल्ड सेल की वॉल को, सेल वॉल को रिमूव कर दें तो बाकी जो बचेगा दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट, राइट, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कह देते हैं। तो बहरहाल प्लांट्स के अंदर
प्रोटोप्लास्ट टू प्रोटोप्लास्ट की ट्रांसपोर्ट होती है ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, और इस पाथवे को हम बोलेंगे दिस इज द सिम्प्लास्ट पाथवे। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे इवन वैक्यूल टू वैक्यूल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी कैरी आउट की जा रही होती है, इसको हम वैक्यूलर पाथवे बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एपोप्लास्ट पाथवे के हवाले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। एपोप्लास्ट पाथवे बिकम्स डिसकॉन्टिन्यूस एट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अगर हम रूट के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर हमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती हैं, तो वहां पे ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है सेल वॉल टू सेल वॉल वाला पाथवे जो है ये दरमियान में डिस्कनेक्ट हो जाता है, विच कंट्रोल्स मूवमेंट इन टू द वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ रूट, राइट। तो उसके बाद फिर क्या होगा, देयर इज वाटर कैन नॉट मूव बिटवीन सेल्स। तो जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगी बेसिकली वहां पर वाटर अब बिटवीन सेल्स मूव नहीं कर सकेगा। अभी आपको मैं डायग्राम में समझाता हूँ, बिटवीन सेल्स मूव नहीं करेगा तो फिर ये सेल के फिर इट विल मूव थ्रू द सेल्स बाय ऑस्मोसिस, फिर वाटर जो है वो सेल्स के अंदर जाएगा और ऑस्मोसिस के जरिए फिर मूव करेगा। ऑलराइट, तो सादा सी बात ये है कि सेल वॉल जो वाटर ट्रेवल कर रहा होता है कुछ पॉइंट्स पे जाके कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पे जाके वाटर वाटर आगे फर्दर ट्रेवल नहीं कर पाता, तो वहां से वाटर जो है वो पिवट लेता है वाटर एंड मिनरल्स एंड दे मूव इनटू द प्रोटोप्लाज्म, राइट। और वहां से ऑस्मोसिस के जरिए फर्दर वाटर ट्रेवल करता है, इसको हम आगे चल के डायग्राम में भी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये बेसिकली जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ये एक रूट का क्रॉस सेक्शन है, इसका ये वाला जो सेगमेंट है इसको मैंने एनलार्ज करके आपको यहाँ पे दिखाया होगा। इसमें जो सीन है इसके सेंटर में यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है। आउटर टू जाइलम यू हैव गॉट दिस फ्लोएम, आउटर टू द फ्लोएम ऑफ कोर्स वी हैव गॉट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, एंड आउटर टू दैट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, एंड आउटर टू दैट वी हैव गॉट द एंडोडर्मिस, एंड आउटर टू दैट वी हैव गॉट दिस कॉर्टेक्स, एंड आउटर टू दैट वी हैव गॉट दिस एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के एक्सटेंशन के तौर पर वी हैव गॉट दिस रूट हेयर, राइट। तो इसमें वन सेकेंड आपको ओरियंट करता चलूँ कि हमारे पास जाइलम है, आउटर टू जाइलम वी हैव गॉट दिस फ्लोएम, आउटर टू फ्लोएम वी हैव गॉट दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, आउटर टू दैट वी हैव गॉट दिस एंडोडर्मिस, आउटर टू दैट वी हैव गॉट दिस कॉर्टेक्स, आउटर टू दैट वी हैव गॉट दिस एपिडर्मिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस किस तरीके से जो वाटर एंड मिनरल्स हैं ये ट्रेवल करते हैं। इसमें सबसे पहला जो पाथवे है दैट इज द एपोप्लास्ट पाथवे। इसमें सीन है जो वाटर अब्जॉर्ब होगा वाया द रूट हेयर इन टू द एपिडर्मल सेल्स, तो ये सेल वॉल्स के अलॉन्ग ट्रेवल करता हुआ जो है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तक चला जाएगा। ये वाला जो पाथवे है दिस इज कॉल्ड एज द एपोप्लास्ट पाथवे। अब इसके बाद फिर जो दूसरा पाथवे है वो ये है। अच्छा, यहाँ पे इसके बारे में एक और बात बताता चलूँ कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पे जाके ये पाथवे ब्रेक हो जाएगा। वहां से फिर जो सेकेंड पाथवे जिसकी मैं बात करने लगा हूँ सिम्प्लास्ट पाथवे, वहां से बेसिकली ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। अब सेल वॉल से निकल के ये प्लांट सेल के प्रोटोप्लाज्म में चला जाएगा ये वाला जो वाटर एंड मिनरल्स, और वहां से उसके लॉन्ग फिर प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए इन्होंने ट्रेवल करना है वाटर एंड मिनरल्स से। अब दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि दूसरा मैकेनिज्म बेसिकली ये है कि जो वाटर एंड मिनरल्स हैं दे ट्रेवल बिटवीन द सेल्स, ठीक है, सेल्स के अंदर से होते हुए उन्हें ट्रेवल करना और अल्टीमेटली विल मेक इट्स वे टू द जाइलम, राइट। तो ये जो पाथवे है सेल टू सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा इसको बोलते हैं दिस इज द सिम्प्लास्ट पाथवे। इसके अलावा जो थर्ड पाथवे है जो कोर्स प्लांट्स के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, प्लांट्स के सेल्स के अंदर खासतौर पर मैच्योर सेल्स में वेरी लार्ज वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस भी एक्सेंट्रिक होता है, एक तरफ फटा हुआ होता है, तो वैक्यूल टू वैक्यूल जो ट्रांसमिशन होती है या ट्रांसपोर्ट होती है वाटर एंड मिनरल्स की उसको वैक्यूलर पाथवे बोलते हैं। बहरहाल वंस अगेन आप गौर करें कि सेल वॉल टू सेल वॉल जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज एपोप्लास्ट पाथवे, प्रोटोप्लास्ट टू प्रोटोप्लास्ट वाया प्लाज्मोडेस्माटा दैट इज सिम्प्लास्ट पाथवे, और उसके बाद फिर वैक्यूल टू वैक्यूल जो दैट इज द वैक्यूलर पाथवे। अब यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम आपको टर्मिनोलॉजी दे देगा लाइक ए ऑप्शन इज एपोप्लास्ट पाथवे, बी ऑप्शन इज सिम्प्लास्ट पाथवे, सी ऑप्शन इज वैक्यूलर पाथवे एंड सो ऑन। एग्जाम से क्वेश्चन पूछेगा कि प्लाज्मोडेस्माटा are involved in which pathway, and the best response to this question would be simplest pathway. Cell wall to cell wall transport of water and minerals takes place via which pathway, best response would be apoplast pathway.
Caspian strips actually halt which pathway? Answer to this question would be again haploblast pathway and so on. I hope that now you have grabbed good understanding जिसको use करके आप questions को easily exam में answer कर पाएंगे. ये और भी एक बेहतर computerized photograph है जो कि आपका concept clear कर देगी of the apoplast and the symplast pathway. इसमें let me orient you towards this photograph. इसमें देखें कि हमारे पास ये है जी xylem और यहाँ पे हमारे पास है जी pericycle. Here you've got the endodermis. Here you've got the cortex. And here you've got the epidermis. तो अब इसमें आप देखें कि ये यहाँ पे ये आपको सेल वॉल नजर आ रही है, लाइक दिस इज द सेल वॉल ऑफ दिस सेल. ये रिलेटिवली थोड़ी सी जो डार्कर कलर में है. तो अब देखें कि जो वाटर है वाटर कैसे कैसे ट्रेवल कर रहा है. एक वाटर की देखें ट्रेवलिंग हो रही है अब सेल वॉल टू सेल वॉल. अब जरा इस यहाँ पे फोकस करें सेल वॉल से सेल वॉल के लॉन्ग वाटर टू एंड थ्रू सेल वॉल के लॉन्ग ही ट्रेवल कर रहा है राइट. और कैस्पेरियन स्ट्रिप पे जाके ये वाटर सेल वॉल के अंदर फर्दर ट्रेवल नहीं कर पाएगा तो वहां से ये इस एंडोडर्मिस के से प्रोटोप्लास्ट के अंदर देखें ये एंटर हो गया हुआ इसके सेल के प्रोटोप्लास्ट में. तो ये जो पाथवे है सेल वॉल टू सेल वॉल पाथवे इसको हम बोलते हैं दिस इज द एपोप्लास्ट पाथवे. उस बात में देखें कि ये जो वाटर है लाइक ब्लू एरो से जिसको डिपिक्ट किया गया है ये सेल्स के दरमियान जो कनेक्शंस हैं विच आर लेबल्ड एज द प्लाज्मोडेस्माटा उसके अलॉन्ग ही ट्रेवल कर रहे हैं. तो प्लाज्मोडेस्माटा के अलॉन्ग ट्रेवल करते हुए ये जो वाटर है ऑल द वे इट हैज मेड इट्स वे टू जाइलम. और इंपॉर्टेंट बात ये है कि इवन जो सेल वॉल वाला जैसे जो एपोप्लास्ट पाथवे वाला जो वाटर था उसने भी इसी पाथवे को ज्वाइन कर लिया है एट द लेवल ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप. सो कैस्पेरियन स्ट्रिप से जहां पे इसको ब्लॉक किया वहां पे उसने भी इस पाथवे को ज्वाइन कर लिया राइट. सो दिस इज द सिंप्लास्ट पाथवे. सो इस कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ में बेसिकली जो एपोप्लास्ट और सिंप्लास्ट पाथवेज हैं इसकी वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के उनको काफी अच्छे से क्लियर किया गया है. सो अभी तक हमने एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया है जो कि क्या थी सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन इन टू द प्लांट. जब स्पेसिफिकली जाइलम के अंदर अगर वाटर एंड मिनरल्स आ गए हैं हम बोलते हैं ये क्या है ये एब्जॉर्प्शन है. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लांट के रूट से जो अपर पार्ट्स हैं प्लांट के जो अपर पार्ट्स हैं अब उनकी तरफ किस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल करते हैं जिसको हम बोलेंगे एसेंट ऑफ सेल. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट एब्जॉर्प्शन इन डिटेल एंड नाउ we are going to start off our discussion with the ascent of cell. अब यहाँ पे एक question मैं आपसे पूछना चाहूँगा इससे पहले कि हम ascent of cell को in detail discuss करें कि water is whether pushed or pulled. आपके ख्याल में क्या नीचे से पानी को धक्का लगा के ऊपर पहुँचाया जाता है upper जो aerial parts हैं plant के या जो high up parts हैं उसके या ऊपर से water को किसी force की मदद से pull किया जाता है. तो पानी को क्या नीचे से पुश किया जाता है या ऊपर से पुल किया जाता है. सो प्लीज थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन राइट. अभी मैं इस क्वेश्चन का इन डिटेल आपको आंसर दूंगा. आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट दिस क्वेरी इन योर माइंड. तो अब हम इसको आगे इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हम मैकेनिस्टिकली देखेंगे कि वाटर जो है वो पुश किया जा रहा है या पुल किया जा रहा है. अब हम एसेंट ऑफ सैप के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे. एसेंट ऑफ सैप को हम बल्क फ्लो भी कहते हैं. बेसिकली वाटर और मिनरल का रूट से अपवर्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स की तरफ ट्रेवल करना दिस इज कॉल्ड एज द एसेंट ऑफ सैप और द बल्क फ्लो. बल्क फ्लो एक अल्टरनेट टर्मिनोलॉजी है यूज फॉर द एसेंट ऑफ सैप. अब बेसिकली एसेंट ऑफ सैप में थ्री मेजर मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं. वन इज रूट प्रेशर, सेकेंड वन इज ट्रांसपिरेशन पुल एंड थर्ड वन इज इम्बिबेशन. ऑलराइट, अब हम इन तीनों को वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रूट प्रेशर. अब देखें कि होता क्या है जो रूट के सेल्स हैं दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट दे एक्चुअली एक्टिवली ट्रांसपोर्ट द मिनरल्स इनटू जाइलम राइट. और वहां से ऑनवर्ड्स फिर क्या होगा मिनरल्स जो एक्युमुलेट होंगे इन द जाइलम सैप. जब जाइलम सैप में मिनरल्स एक्युमुलेट होंगे तो वहां पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा. सीन है यहाँ पे एक बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट रूल है उसको आप याद रखिएगा. वाटर ऑलवेज फॉलोज द सोलूट्स. हमेशा बायोलॉजिकल सिस्टम में पानी सोलूट्स को फॉलो करता
राइट, इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर की जो मूवमेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम में, बेसिकली स्पेशली मेम्ब्रेन्स के क्रॉस, वो ऑस्मोसिस के जरिए हो रही होती है। अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म है वो चाहता है कि वो वाटर को अब्जॉर्ब करना चाहता है, लाइक तो एनवायरमेंट से अब्जॉर्ब करना चाहता है, इट वुड एक्चुअली टेक, इट वुड टेक सॉल्ट्स, इट वुड अब्जॉर्ब सॉल्ट्स, वाटर खुद बखुद ही साथ अब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। और इस तरह से अगर एक एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर से छुटकारा हासिल करना चाहता है, इट शुड लूज सॉल्ट्स, तो वाटर ऑटोमेटिकली इसके साथ जो वो लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें, बेसिक आइडिया सेम है कि ओवरऑल मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लिया गया है इनटू द जाइलम, राइट। और अब जाइलम में जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है वो है हाई, टोनिसिटी है हाई, एंड ये ओवरऑल जितनी ज्यादा सॉल्ट की कंसेंट्रेशन होगी ऑटोमेटिकली वाटर की जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो वाटर की कंसेंट्रेशन होती है दिस इज इनवर्सली रिलेटेड विद द सॉल्ट कंसेंट्रेशन। यू कैन से दैट लोअर द वाटर पोटेंशियल हायर विल बी द सॉल्ट कंसेंट्रेशन, या आप ये भी कह सकते हैं कि हायर द सॉल्ट कंसेंट्रेशन लोअर विल बी द वाटर पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। ये एक ज्यादा बेहतर स्टेटमेंट है कि हायर द सॉल्ट कंसेंट्रेशन lesser will be the water potential or water concentration and vice versa। तो देखें कि जब xylem में बहुत सारे minerals आ गए, वहाँ पे salt की concentration increase हो गई, वहाँ पे tonicity increase हो गई, वहाँ पे जो solute concentration है या solute potential है वो increase हो गया, उसकी वजह से वहाँ पे water potential क्या हो जाएगा, water potential reduce हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से जो water है ये फिर xylem में salt के पीछे पीछे फ्लो करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा, और वो जो पॉजिटिव प्रेशर है वो फ्लूइड को पुश करेगा अप द जाइलम। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ। ये आपको देखिए जाइलम नजर आ रही है, राइट, दिस इज द जाइलम, और इसमें आप देखें कि ओवरऑल वाटर जो अब्जॉर्ब हुआ है, लाइक सबसे पहले तो ओवरऑल ऑफकोर्स जो मिनरल्स हैं वो अब्जॉर्ब होंगे इन टू द जाइलम, राइट। जब मिनरल जाइलम में अब्जॉर्ब होंगे, यहाँ पे जब सॉल्ट की कंसेंट्रेशन जब वो इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली जाइलम के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन रिड्यूस होगी, जो कि इनवर्सली रिलेटेड है। जब वाटर पोटेंशियल यहाँ पे रिड्यूस होगा तो उसकी वजह से वाटर जो है वो फ्लो करेगा सेकेंडरी टू द मिनरल इन टू द जाइलम, और इस वजह से वाटर के फ्लो की वजह से फिर एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा, और उस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से जो फ्लूड और मिनरल्स हैं ये अपवर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ मूव करेंगे। तो दिस इज द रूट प्रेशर बेसिकली। अब गटेशन एक फिनोमेना है, राइट, ओवरऑल गटेशन एक फिनोमेना है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा प्रोसेस है, राइट। सो रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन। सो गटेशन क्या है, या ये गटेशन है या एक्सुडेशन है, बेसिकली ये लॉस ऑफ वाटर है थ्रू स्पेशल ओपनिंग इन द लीव्स, जिनको बोलते हैं हाइड्रोपोर्स। तो बेसिकली जो हाइड्राथोड होते हैं लीव्स में, उनके उनके थ्रू कई दफ़ा वाटर का लॉस होता है, वाटर एक्जुडेट हो एक्जुडेशन उसकी हो रही होती है, एंड उसके लिए जो फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल दैट इज द रूट प्रेशर। तो एग्जाम के लिए पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेशन इज, अब एग्जाम आपको दे सकता है ये रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पोलर सो ऑन व्हाट्सो एवर, बेस्ट रिस्पॉन्स इसका क्या होगा, ये एम्बिबेशन, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, द रूट प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू पॉन्डर है, और वो पॉइंट ये है कि एक्सपेरिमेंट्स ने ये चीज़ शो की है कि जो रूट प्रेशर है ये जस्ट एक चंद मीटर तक वाटर को और मिनरल्स को पुश कर सकता है इन द प्लांट। अब बहुत सारे प्लांट्स तो वैसे ही ऐसे हैं जो रूट प्रेशर जनरेट नहीं करते, और जो प्लांट्स रूट प्रेशर जनरेट करते भी हैं, अगर उनकी हाइट ही बहुत ज़्यादा है, लाइक मे बी 100 मीटर या इससे भी ज़्यादा है, तो उनमें तो रूट प्रेशर इनसफिशिएंट है कि वो बॉटम से टॉप तक वाटर को लेके जा सके, जिसका मतलब ये कि उसके टॉप पार्ट्स को उनकी वेल्डिंग हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट प्रेशर के अलावा कोई और भी फोर्स है जो कि एग्जिस्ट करती है, जो कि वाटर और मिनरल्स को बॉटम पार्ट ऑफ प्लांट से टॉप पार्ट ऑफ प्लांट्स की तरफ लेके जाती है, और वो जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये स्टेटमेंट पढ़ भी लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स शो दैट रूट प्रेशर कैन पुश सैप अप द जाइलम अ फ्यू मीटर्स ओनली, मेनी प्लांट्स डोंट जनरेट रूट प्रेशर एट ऑल, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया। एंड देन हाउ डज इट्स द वाटर इट रीच